हेलो, मैं राहुल कुमार चौधरी आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से कोविन वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ, आप कोविन वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कोविन, यहाँ पे मैं लिखूँगा कोविन। आप भी अपने गूगल क्रोम में जा कर के वहाँ पर सर्च करें कोविन। जैसे ही आप कोविन सर्च करेंगे तो ये कोविन को जैसे इस तरह से मैं कर लिया और मैं कोविन के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। आपको जो पहला यहाँ पे दिख रहा है कोविन जो आपको दिख रहा है आपको, इस कोविन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक है आपका, यहाँ पे आपका एक है दिया हुआ रजिस्ट्रेशन और साइन इन योर सेल्फ, और दूसरा है रजिस्टर। आप रजिस्टर पे ले जा करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जा करके अपना रजिस्टर कर लेंगे। और यहाँ पे जाते ही आप क्या करेंगे, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दे देंगे जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है 9472469663। जैसे ही ये देंगे तो आपके मोबाइल पे क्या होगा, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा जो कि OTP 6 डिजिट का होगा। और जैसे ही 6 डिजिट का आप OTP देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसमें अपना एक फैमिली नंबर का नाम जोड़ देंगे। तो आई होप आप इस तरह से कर लेंगे। और चूंकि मेरा रजिस्ट्रेशन है इसलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा और मैं बैक चला जाता हूँ, और मैं बैक जाऊँगा और इस तरह से मैं बैक चला गया और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है पहले से, मैं उस रजिस्ट्रेशन पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन और साइन योर सेल्फ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और इस तरह से क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेरा जो रजिस्ट्रेशन पहले से है किया हुआ, इसको मैं यहाँ पर दे दिया और इसको मैं यहाँ पर अपना दे दिया। और इसमें क्या करते हैं, इसको जैसे ही करेंगे हमारा एक OTP आएगा और इस OTP पे को हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल में डाल देंगे। और हमारा OTP आ चुका है और इस OTP को हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे। और इसमें OTP को डालते ही हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई हो जाने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए मैंने दो एक मोबाइल नंबर से कम आप चार लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। और मेरे पास चूँकि चार लोग थे ही नहीं, इसलिए मैंने दो लोगों को यहाँ पर ऐड किया है, एक ज्योति कुमारी है और एक राहुल कुमार चौधरी है। आप देखिए ज्योति कुमारी और दोनों का इंडिविजुअल आप शेड्यूल बुक कर सकते हैं। जैसे ज्योति कुमारी का शेड्यूल बुक करेंगे तो यहाँ पे ज्योति कुमारी के नीचे जो शेड्यूल है इसमें ले जा करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप पिन के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी सर्च करते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इसमें लिखता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट है और इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है मेरा भागलपुर है, मैंने इसको लगा दिया। और इस तरह से आप देखिए यहाँ पे आपके सामने ये शेड्यूल आपको आ गया। और यहाँ पे देखिए कि 18 साल और 45 साल दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो 18 प्लस हैं तो 18 प्लस को चूज कर लीजिए, आप अगर 45 प्लस हैं तो 45 प्लस का चूज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 43 साल का है यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको आपको नहीं हो पाएगा इसीलिए आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ खाली है ही नहीं, एक भी खाली नहीं है। आपको 5 बजे शाम के बाद आपको खाली मिलेगा और जहाँ से कि आपको इसको कर सकते हैं। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे, आप इंडिविजुअल शेड्यूल कर सकते हैं और यहाँ पे एक भी शेड्यूल नहीं खाली है। और शाम के 5 बजे के बाद आप खोलेंगे तो आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा। और इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि पहले आप लॉगिन कर लें, देन इस तरह से शेड्यूल को आप प्रत्येक आधे घंटे 1 घंटे और 15 मिनट के बाद चेक करते रहेंगे। आपको ये क्या होगा, आपको मिलते जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको ये वैक्सीन को मिल जाएगा। आई होप आप यहाँ पे समझ गए। और यहाँ पे आपको देखिए कि एज 18 प्लस, एज 45 प्लस, और यहाँ पे 3 तरह के वैक्सीन हैं, एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन, एक है स्पुतनिक। तो इसमें आपका कोवैक्सीन जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, कोविशील्ड और स्पुतनिक, जो है थोड़ी सी इसकी एफिकेसी रेट ठीक नहीं है, कोवैक्सीन की एफिकेसी रेट ठीक है, एफिकेसी रेट
क्या होता है इसको, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एफिकेसी रेट कैसे निकालते हैं उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। और मैं बैक जाता हूं, मैं ये ज्योति कुमारी का बता रहा था, अब मैं राहुल कुमार चौधरी का देखता हूं। राहुल कुमार चौधरी का देखो, यहां पे मैं इसको भी सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट करता हूं। मैं सबसे पहले स्टेट को चूज कर लेता हूं, देन मैं क्या करता हूं, भागलपुर यानी डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेता हूं। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे भी उसी तरह से है। आप देखिए यहां पे देखिए, एक भी खाली नहीं है। आप शाम 5 बजे के बाद ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। शाम 5 बजे के बाद आप ट्राई करें, आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप आप ज़रूर करेंगे ट्राई, और जल्द से जल्द आप वैक्सीन ले लें, क्योंकि जितना जल्दी आप वैक्सीन लेंगे उतना जल्दी ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म होगा और फिर से हम खुशी खुशी से अपने काम पे चले जाएंगे। अगर आप लोग अगर ज़्यादा समय लगाएंगे तो आई होप बहुत टाइम लग जाएगा वैक्सीन लगवाने में, और इस तरह से हमारा बाज़ार भी बंद होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, और बहुत सारे गरीब लोगों को काम नहीं मिल रहा है। काम शुरू होगा तो लोग खुशी खुशी से अपना जा करके क्या करेंगे, अपना वैक्सीन काम करेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह से आप अपना स्लॉट बुक करेंगे। आप 5 बजे शाम के बाद अपना ये स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आप जल्द जाएं और अपना आज ही रजिस्ट्रेशन करें और अपना स्लॉट बुक करके आप जल्द से जल्द अपना वैक्सीन ले लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या करें, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मैं आपको और अगला वीडियो मैं जब बनाऊंगा आपको सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। आप उसका बेल आइकॉन का घंटा दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकॉन का घंटा अगर दबा देंगे तो वहां से आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए मैं इसे अब एंड करता हूं। आप ज़रूर जाएंगे अपना